हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके अंदर 4,500 तक वैकेंसी होने वाली है। और सबसे जो मेन बात है ना इसके अंदर, वो ये है कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो वन बाय वन सारे स्टेप्स को क्लियर करने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट होने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सैलरी डेट वगैरह एवरी थिंग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है कहाँ से आउट हुआ है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे इसका नोटिफिकेशन कहाँ से आउट हुआ है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है बेसिकली आउट किया गया है SHS की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन सोसाइटी, स्टाफ सिलेक्शन सोसाइटी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन सोसाइटी को हम और किसी नाम से भी जानते हैं, वो नाम है हमारा एक कम्युनिटी, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आ जाता है। NHM की तरफ से इसका क्या है नोटिफिकेशन आउट किया गया, नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि आप समझ सकते हैं ये अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है। वो आपको इसके नाम के अकॉर्डिंग ही पता लग गया होगा, नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि एक अच्छी खासी ये गवर्नमेंट जॉब होने वाली है आप सभी के लिए। पोस्ट इसके अंदर काफ़ी सारी है और भी बहुत कुछ है। इसके अंदर जो पोस्ट रहने वाली है वो ऑफिसर की है, और जो ऑफिसर की पोस्ट है किस चीज़ की है, CHO की पोस्ट रखी गई है। CHO की पोस्ट का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 4,500 वैकेंसी होने वाली है, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया को कवर करती है। 4,500 वैकेंसी, नॉर्मली बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं पर बहुत कम ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। 4,500 वैकेंसीज है, अच्छी खासी है। इसके अंदर हम बात करेंगे इसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 40,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। आप समझ सकते हैं सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे होने वाली है, 40,000 रुपये आपकी पर मंथ रहने वाली है यहाँ पे सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से है। प्लस मैम आपको कुछ अलाउंसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। फिलहाल आपकी यहाँ पे 40,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाती है। और भी डिटेल में जाते हैं, एज लिमिट कितनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में क्या है ना, आपका 21 प्लस होना ज़रूरी है, 18 प्लस का यहाँ पे नहीं है। अगर आपकी एज 21 साल से ऊपर है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 42 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एज का डबल हो जाता है। 21 × 2 = 42, तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स है और मिनिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पे 21 रहने वाली है। अगर आप इस क्राइटेरिया को कवर कर रहे हैं तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेसर किस तरीके से होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेसर में आपका बेसिकली जो है यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, मेरिट बेस आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। और मेरिट बेस के बाद यहाँ पे एक और स्टेप होता है जो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पे मेरिट बेस सिलेक्शन हो गया तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना सबको वेरीफाई किया जाता है, यानी कि DV मस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। और अगर आपको नहीं पता है 2024 के बेस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं कि कितने PDF बनाने पड़ते हैं, कितने सेट बनाने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन किन की नीड पड़ रही है 2024 में, क्या अलग है, मतलब फुल डिटेल वीडियो है। उसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उससे बढ़िया वीडियो आपके लिए नहीं हो सकती है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, डिटेल में वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा तो है ही, थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, पर अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है तो वो तो आप तुरंत ही निकाल लोगे। जनरल OBC और EWS कैटेगरी से अगर आप हैं ना तो आपकी यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस हो जाती है, और ये जो फ़ीस है ना ये आपकी रिफंडेबल फ़ीस रखी जाती है। इसके अलावा अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, SC ST PWD कैंडिडेट है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है जनरल की हो, चाहे वो OBC की हो, चाहे वो EWS की हो,
फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो रिजर्व की ही बेसिकली हो या फिर पीडब्ल्यू, उनकी 250 रुपये एप्लीकेशन फीस ही रहने वाली है। यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है ज़्यादा तो है, पर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका फुल पैसा वसूल हो जाने वाला है। यहाँ पे क्या है, जनरल वालों ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये पर पर्सन रहने वाली है, फीमेल चाहे इधर 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 इधर, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है और पर पर्सन रहने वाली है। और इसके अंदर बात करें अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक बच जाता है, अप्लाई आप किस तरीके से करेंगे, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। तो अप्लाई जो है ना, अप्लाई आप इसके लिए ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका अप्लाई होने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन www.nhm.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। और अब बात करते हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, यानी कि आप कब से कब तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट की यहाँ पे बात की जाए कि आप कब से कब तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर आप 1 अप्रैल से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है फीस पे करने की, यानी कि कभी कभी क्या होता है हमें थोड़ी सा एक्स्ट्रा डेट मिल जाती है फीस पे करने की, पर इसमें ऐसा नहीं है। 30 तारीख की आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फीस को पे करने की, और जो 1 तारीख से स्टार्ट है अभी थोड़ा सा टाइम है। बट क्या है, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ बच्चों के क्या है अभी आए नहीं है उनके डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकी रहती हैं, तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कवर करने के लिए। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कि आपको कौन कौन से कागज़ आपके पास होने चाहिए जिसके थ्रू आप इसमें बात कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, पर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा क्या है, आपका जीएनएम में होना चाहिए, और डिग्री जो है आपकी बीएससी नर्सिंग में होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर पोस्ट बेसिक नर्सिंग में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अच्छी जॉब हो जाती है, और अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई करते हैं ना तो आपको इससे बढ़िया जॉब तो कहीं भी नहीं मिलने वाली है। 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी होने वाली है, और सब कुछ क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो आप गूगल पे जाइए, इस वेबसाइट पे जाइए, और इसके अंदर इसके थ्रू आप इस पूरी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बता दिया गया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है, फिर भी अगर बाय चांस कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा, विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जा सके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता है, तो आपको ये वीडियो उनको ज़रूर से शेयर करनी है, क्या पता वो इसके लिए ज़रूर से, क्या पता वो लोग इसके लिए वेट कर रहे हो और आपके शेयर करने से उनकी जॉब लग जाए। थैंक यू सो मच।